नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल मीडिया से फिर आपसे मुखातिब हूँ। मीडिया के माध्यम से हम आपको ऐसी पर्सनैलिटी से रूबरू करवाते रहते हैं जिनका किसी न किसी क्षेत्र में बहुत योगदान रहता है, चाहे एजुकेशन फील्ड हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अन्य कोई सोशल एनजीओस का फील्ड हो, और चाहे फिर एडमिनिस्ट्रेशन का हो। एडमिनिस्ट्रेशन एक किसी भी शहर के लिए बैकबोन होती है, यानी कि प्रशासन। और प्रशासन में सब डिवीजन लेवल पर जब हम एसडीएम साहब, यानी कि एसडीएम की फुल फॉर्म में आपको बताई देता हूँ कि सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट एसडीओ सिविल, वो बैकबोन होती है शहर की, विकास के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में। किसी भी तरह की शहर की कोई समस्या हो तो सीधे सीधे पब्लिक एसडीएम साहब को, यानी कि इंटरेक्ट करती है उनसे और उनसे ही अपने ग्रीवेंसेस देती है। हाँसी शहर के बारे में आप हम सब जानते हैं कि ये एक बहुत हिस्टोरिकल शहर है, इसका लेआउट भी बहुत ऊंचा नीचा है। पृथ्वीराज चौहान का एक यहाँ किला है। अब सबसे, मैं तो कहूँगा कि सबसे पुराना यानी स्टेट का सब डिविजन है। यहाँ कुछ ऐसी समस्याएँ भी हैं शहर की, जिसमें सबसे पहले मैं लिखता हूँ जाम, यानी कि ट्रैफिक हजार्ड, उसके बाद स्ट्रे कैटर्स, उसके बाद नगर परिषद है, पहले नगर पालिका हुआ करती थी, नगर परिषद है। नगर परिषद के अंदर शहर के विकास के लिए बहुत सी गारंटी आती है। तो उन सब बातों को लेकर मेरे साथ एक ऐसे आलाकमान अधिकारी हैं, आप इनकी पर्सनैलिटी से यही देख लेंगे कि ही इज हैविंग वेरी नाइस एक्सटर्नल पर्सनैलिटी एज वेल एज इंटरनल पर्सनैलिटी आल्सो। ही इज एमएससी फिजिक्स और एमए इन इंग्लिश लिटरेचर और एससीएस अधिकारी हैं यहाँ एसडीएम साहब वीरेंद्र सहरावत जी। सबसे पहले तो मीडिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, अनेक अनेक अभिनंदन है। पहली मर्तबा हम आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं हाँसी शहर को लेके। आपको जुमे जुमे साल भर हुआ है यहाँ आए, तो आपको बहुत सी यानी कि ऐसी समस्याएं लोगों की फेस करनी पड़ी होंगी एज एसडीएम। बहुत से लोग आते हैं और तो हाँसी शहर कहते हैं कि एक समस्याओं का शहर जो आपको गिफ्ट में मिला था, तो उसमें सबसे पहली समस्या मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रैफिक हजार बहुत ज़्यादा है और जो सारा यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। देखिए, ट्रैफिक हजार की जो आपने बात कही उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने दूसरे काफ़ी शहर भी देखे हैं, उन शहरों के मुकाबले में हाँसी में इतनी जाम वाली समस्या नहीं है। उसका कारण ये है कि हाँसी में एक बाईपास जो है ना, सुपर हाईवे बाईपास से गुजरता है, जो बड़ा जो ट्रैफिक था जितना भी जो लॉन्ग रूट का था, वो पहले हाँसी से अंदर से गुजरता था, अब वो अंदर से नहीं गुजरता, वो डाइवर्ट कर। हाँ, ये बड़ी निजात मिली इस बात की। दूसरा, हमने पिछले एक साल के अंदर देखा आपने कि जो ये अंदर से मेन हाईवे गुजरता है, इसकी हम लोगों ने डिवाइडर बनाया है, इसकी लाइट्स यहाँ पर व्यवस्था की गई है, और इसके आसपास कुछ जो कब्जे वगैरह जो टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट थे वो भी सारे हटाने में प्रशासन ने। सर, जब हम बरसी गेट की तरफ चलते हैं तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक। यस, बरसी गेट पे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दुकानदारों ने भी, और वो अपने दुकानों के सामने जो एरिया है, क्योंकि एक तो वो रोड्स हैं ही थोड़े से संकुचित से, और ऊपर से फिर कुछ इस तरह के, लेकिन बीच बीच में जब भी इनकी एसोसिएशन से और बात की गई है, उन लोगों ने भी सहयोग किया है और उन्होंने कब्जे हटाए भी हैं। और ये क्या होता है कि विशेष अभियान हमें छेड़ना पड़ता है म्यूनिसपैलिटीज़ के माध्यम से और पुलिस को साथ में लेकर, जब भी ये टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट होती है इनको हटाते रहते हैं। परंतु ये मैं मानता हूँ कि शहर के जो अंदर का जो ओल्ड सिटी है, हाँ, उसमें कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन समय समय पर हम ये टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट हटाने का काम करते रहते हैं। एक स्टे कैटल्स की मैं बात करता हूँ आपसे सीधे दूसरे प्रश्न में, इसलिए आपने बताया इंटरनल प्रॉब्लम है कि जो शहर का अंदर का एरिया है वहाँ जाने में लगा रहता है स्टे कैटल्स, ये स्टेट वाइड प्रॉब्लम है, लेकिन हाँसी के अंदर तो बहुत बुरा हाल है, रोजाना दुर्घटनाएं होती है। मैं भी अपने अखबारों में लिखता हूँ, उसमें
बुजुर्ग नहीं निकल सकते या बच्चे बीवी को पार करवाना मुश्किल है, इसको कैसे पार करेंगे? इसके लिए कोई आपने फाटक फुटक बनवाया? देखिए इसके बारे में भी आपको भी पता होगा और मैं आपकी सूचना के लिए बता दूंगा कि म्यूनिसपैलिटी द्वारा स्ट्रे कैटल्स को पकड़कर अपने जो गौशाला हैं उनके अंदर शिफ्ट किया गया और बीच बीच में खुद गौशाला की तरफ से उनके संचालकों की तरफ से भी हमारे से संपर्क किया गया और उन्होंने बढ़ चढ़ कर प्रोएक्टिवली ये कहा कि जी जो भी कुछ है तो हमारे को आप सौंप सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंगली हम लोगों ने भी पकड़ के वहाँ पे छोड़ दिया। लेकिन ये एक ऐसी समस्या है कि जो मान लो हाशी एक सब सिस्टम है वो बड़े एक लार्जर सिस्टम का पार्ट है जी, जी। तो अगर यहाँ की आप पकड़ के गौशाला के अंदर कर दी तो और बाहर से आ जाएंगे, मतलब ये मतलब यहाँ यहाँ नहीं है, ये हर रोड के ऊपर और गांव में आप जाओगे वहाँ मिलेंगे। और तो लेकिन हम निरंतर हम प्रयासरत हैं कि गोवंश जितना भी और उनको हम उचित स्थान पर बेच सके, और गौशालाओं में सरकार ने भी काफ़ी अनुदान दिया है उनको स्थापित करने के लिए, उनकी व्यवस्था ठीक रहे और वो लेते रहते हैं। परंतु जब भी लगता है कि इनकी संख्या कुछ ज़्यादा होगी, विजिबिलिटी ज़्यादा हो रखी, फिर अभियान चलाकर फिर उनको पकड़ के वहाँ तीसरे पॉइंट पे आते हैं जो सबसे अहम है और बहुत यानी कि बहुत ही एक मायने रखता है, स्वच्छता की बात। शहर में जगह जगह कचरा पॉइंट स्टिल बने हुए हैं और स्वच्छता के अभियान पे नगर परिषद में बहुत सी आरटीआई भी लगती हैं, सीएम विंडो के भी आते हैं कि भी ये इनके टेंडर्स उठते हैं तो फर्जी से हो जाते हैं सारा, ऐसा लगता है। लेकिन अभी दोस्त है मेरे सामने नहीं आया, लेकिन सीएम विंडो की शिकायतें बहुत आती हैं, जगह जगह कचरा पॉइंट्स बने हुए हैं, क्या ये लिफ्टिंग नहीं होती या डंपिंग के लिए, डिस्पोज ऑफ के लिए, कचरे के लिए कुछ जगह आपने नियुक्त की है? ये बात आपने जो कहा कि जो टेंडर प्रक्रिया में पीछे कुछ मतलब ऐसे ठेकेदारों को काम दिया गया जो काम प्रॉपरली नहीं करते थे, ऐसी चीजें हमने देखी। तो जब उनको बार बार कहा भी, उनको कहा भी, उनकी सीमेंट डोज थी, हमने इंक्वायरी की, पता किया, तो पता लगा कि वास्तव में जो ये ठेकेदार है ये निकम्मा है, ये काम नहीं कर पाएगा। और जब उसके ऊपर शिकंजा कसा, यहाँ पर सारी पब्लिक के बीच में यहाँ 100 लोग प्रेजेंट थे, उसकी मैंने सुनवाई की, हियरिंग की, सारे लोगों को बुला कर म्यूनसिपलिटीज के चाहे वो एक्शन थे, जेज थे या जो वहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, चेयरपर्सन हैं, सबको बुलाया और गांव के जो यहाँ शहर के अपने जो प्रबुद्ध नागरिक थे वो लोग भी प्रेजेंट थे। तो फाइनली उसने ठेकेदार ने ही ये कह दिया कि जी मेरे बस का यहाँ काम करना नहीं नहीं। हालांकि ठेकेदार की भी कुछ अपनी समस्याएं थी, परंतु चलो उस बात पे हम नहीं जाते, उसने समस्याएं थी तो उसने कंप्लेंट करनी चाहिए थी, अब नहीं की है तो वो खुद मिला हुआ था, तो अल्टीमेटली उसका ठेका हम लोगों ने कैंसिल किया और दोबारा से ठेका मतलब देने की प्रक्रिया अमल में लाएगी जो बिल्कुल पारदर्शी अपराइट हाँ और बिल्कुल अच्छे ढंग से, और उस ठेकेदार ने काम अच्छे ढंग से करना भी स्टार्ट किया और उसका ही रिजल्ट है कि आज आप जाके देखेंगे कि बीड जो फार्म है वहाँ पर या डंडूर में या हम लोगों ने यहाँ से मतलब हजारों टन मतलब यहाँ से कूड़ा उठाने की वो किया है। एक बार तो अभियान छेड़ा था तो एक ही दिन में हम लोगों ने 400 टन कूड़ा उठाया था हाँसी से, बड़ी वो केवल उस ठेकेदार की अवधि में जो गड़बड़ हुई तब की बात है। सेकंड मैं आपको बताऊंगा इस बारे में प्रॉब्लम इनकी थी डंपिंग साइट की, डंपिंग हाँ आज से नहीं इनका 15 साल पहले से ही गवर्नमेंट ने इनको जगह दे दी थी जी, और वो 15 एकड़ के करीब इनके पास जगह थी और इन्होंने उस जगह को क्लेम करने के लिए उसको रनिंग स्टेट में लाने के लिए कभी सीरियस प्रयास नहीं किए। और ये भी सत्य है कि इस ढंग से अगर आप करोगे कि वहाँ के लोगों को न्यूसेंस होगी वो भी ठीक नहीं है, तो हम लोगों ने उस जगह को दोबारा से मतलब चालू हालत में कर दिया और जो डंपिंग साइट आज बीड फार्म में एजिटेशन हुए थे ऐसा आज हमारे पास अवेलेबल है, एजिटेशन हुए थे वो ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस हुए थे और वो हम लोगों को समझाया बताया कि भाई हम यहाँ पर
बिल्कुल चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल करेंगे, जो डंपिंग होगी वो प्रोसेसिंग करेंगे पहले हम कूड़े की। अच्छा। और उस कूड़े को हम उसमें डिगिंग करेंगे, डिगिंग करने के बाद उसमें डालेंगे, वो एक वर्मी कंपोस्ट की तरह उसको खाद के तैयार करेंगे। हाँ, और वास्तव में उसके बाद आप जाके भी आप भी देखोगे तो हम उसको ढक देते हैं, मतलब पूरा 8-10 फुट डीप गड्ढा खोदते हैं, उसमें कूड़ा डालते हैं। और क्योंकि कूड़ा जो ऐसा नहीं होता कि जो जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है वो बहुत हैजार्डस होता है, ये बायोडिग्रेडेबल होता है, तो ये तो मिट्टी में ऐसे मिले हो जाएगा, हाँ वो ऐसे ही बन जाएगा, रादर मतलब मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, परंतु हम ही पहले इसको प्रोसेस करते हैं, इसमें से वो मटेरियल बाहर निकाल लेते हैं। अब उसका भी हम लोगों ने सर आप सर्वेलेंस कीजिएगा, कचरा पॉइंट तो अब भी है, शहर में कचरे तो अभी भी कूड़ा था डेब्रिश है। देखो मैंने खुद भी विजिट किया है और बीच बीच में तहसीलदार साहब या एक्सचेंज उन लोगों की ड्यूटी भी लगाई है, ये भी गए हैं, तो शहर का अंदर का जो एरिया है, जो वार्ड्स हैं, वो सारे नीट एंड क्लीन है, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बाहर जो मेन सड़कों के ऊपर जो डंपिंग साइट्स इन लोगों ने बना रखी हैं, उनमें कई बार उठाने में जैसे डेली उठना चाहिए, डेली ना उठ के मतलब वो अल्टरनेट डेज पे मतलब आ जाते हैं, तो मेरा मानना यह है कि वो डेली उठना चाहिए। अब क्योंकि वो डेली जब उठेगा, जब इनके पास पर्याप्त संसाधन होंगे, अब उन संसाधनों को बढ़ाने के लिए एक तो हमने ठेका आपको बताया कि वो हम कैंसिल करके दूसरा कर दिया, सेकंडली 20 टिपर जो ना इन्होंने खरीदे हैं, स्ट्रीट्स में जाए, हाँ मुंबई 20 टिपर खरीद लिए हैं। अब उनका जो ड्राइविंग एक सर्विस है, तो ड्राइवर्स को भी हायर करने के लिए इन्होंने टेंडर इन्वाइट कर लिया है, तो अब वो ड्राइवर्स मिल जाएंगे इनको, वो टीपर्स काम करना स्टार्ट कर देंगे, डोर टू डोर जो हमारी कलेक्शन का जो काम था सेग्रीगेटेड वेस्ट लेने का, वो इसके बाद स्टार्ट फुल्ली हो जाएगा। पहले था हमारे 8-9 वार्ड्स में था, अब हमारे सभी वार्ड्स में हो गए। मैं दो इश्यूज पे और बात करूं, लाइक स्ट्रीट लाइट का, स्ट्रीट लाइट का पिछले स्कैन भी चला, वो आपके भी संज्ञान में कॉग्निजेंस में आया होगा कि भी वो स्ट्रीट लाइट्स कर ली, अनब्रांडेड है, ब्रांड का लगा दिया गया उसमें, बहुत बड़ा स्कैम यानी कि निकल के आना था, कैसे रहा उसमें, आपने भी इंक्वायरी की होगी। हाल ही में कल ही मैंने खबर लगाई है एक कि भी बिजली कर्मचारियों ने यानी कि बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिए, नगर परिषद ने बिल नहीं भरे, स्ट्रीट लाइट दिन में जलती है, रात को जलती नहीं है, जिससे चोरियों को भी यानी कि जो गफलत करने वाले जो है अंजाम दे जाते हैं। हाँ, ये जो बात है ये आज की नहीं, सालों साल से इन्होंने ऐसे ही चलती आ रही थी बिजली, अभी बिजली विभाग ने मतलब ये सख्ती की कि भाई आप मीटर लगवाइए, तो अब मीटर लगवाने की प्रक्रिया इन्होंने चालू कर दी है, इन्होंने जो बिल अप्लाई करना था अप्लाई कर दिया, जो फीस भरनी थी वो भर दी है, और अब इनके मीटर लग जाएंगे तो दोबारा से वैसे ही सामान्य स्थिति में आ जाएगी। सर एक बड़ा बर्निंग इशू चल रहा है वो रिगार्डिंग आपके, सीधा सीधा आप रिसीवर कहें या एडमिनिस्ट्रेटर कहें कि एक महिला कॉलेज है, वहाँ कुछ दुकानों का भी ऐसा इशू चला हुआ है, तो उस पर यानी कि सेटल सरा यानी कि बार बार वहाँ के लोगों, देखिए वो एक लीगल मैटर है। अच्छा, ठीक है, वो एक वैधानिक मैटर है, वो जैसे मान लो आपकी दुकानें हैं, जी जी जी, आपने 4 दुकानें बना रखी हैं, तो आप किसी दुकानदार को या किसी को भी किराए पर दे रहे हो, चाहे वो दुकानदार भी हो सकता है या कोई पढ़ाने वाला ट्यूशन वाला भी हो सकता है या कोई डॉक्टर भी हो सकता है, किसी को भी दोगे, तो आपने वो दुकान किसी को दोगे तो उसके साथ ही एग्रीमेंट करोगे, ये 1-2-3-4 आदमी हैं तो एक नंबर के साथ करोगे तो एक के साथ करोगे, चारों के साथ इकट्ठा नहीं करना होता। ठीक है, वो एक के साथ करोगे, फिर दो के साथ करोगे, तीन का, किसी का कब एक्सपायर हो रखा है वो, किसी का एग्रीमेंट कभी होता है, किसी का कितने रुपए का है, किसी का कितने रुपए का है, वो कभी छोड़ी गई थी। और लोगों ने 2005 में, आपको यकीन नहीं है, 2005 में एग्रीमेंट एक्सपायर हुए पड़े हैं, आज तक उन्होंने ना वो रिन्यू करवाना या उनको ऑक्शन करते दुकानों को, चाहे भले वो लेता है या किसी दूसरे को मौका मिलता, वो तो शहर का ही आदमी लेगा, कोई और दूसरा भी लेगा तो ये छोड़ेंगे, ये कोई ऐसी बात नहीं है। और क्या पता जो सोसाइटी है वो उसको दुकानों के रूप में यूज करे या उसका स्वरूप बदले या उसको नीड है, आपको अपने दुकानों की जगह हो सकता है कल ने कुछ और भी बनाना पड़ जाए,
वो दुकानें थोड़ी रहेंगी, दुकानें सर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आपने पैसिफाई करने के लिए दुकानदार एजिटेशन कर रहे थे, एक बीच का रास्ता भी इख्तियार किया था, उनको बुला के आपने कंसोल भी किया था भी ऐसा मत कीजिए ऐसा कर लो, एग्रीमेंट भी किया। नहीं मैंने आपको टू बी मतलब फ्रेंकली उनको मैं बता देता हूँ, मैं नहीं मिला किसी से ना, मैंने बुलाया नहीं, आपने तो नहीं, मैंने नहीं बुलाया, मेरे पास से कुछ आदमी आए थे आज से 6-7 महीने पहले जी जी जी, तो तब मैंने उनको कहा था कि भाई ये आपका एक एक की बात है, हम एक का एग्रीमेंट देखेंगे, एक का एग्रीमेंट देखेंगे वो कब से क्या है, और हमें लगेगा ये रिन्यू करने का तो रिन्यू कर देंगे, हमें लगेगा नई दुकान की जरूरत है तो वो देख लेंगे, तो आप एक एक बात करो। वो बोले नहीं आप 50 आदमियों से एक साथ बात करेंगे, कोई जो भी कोई उनको लीड कर रहा था या वो भी, वो उन्होंने भी कहा होगा कि नहीं हम तो इकट्ठे बात करेंगे, तो ये इकट्ठे बात करने की बात नहीं है, अगर कोई एक कोर्ट में केस चल रहा है, मान लो 50 केस चल रहे हैं, कोई जज के सामने जाके कहे कि नहीं भाई 50 के 50 आप इकट्ठे ही सुनिए, क्या हम इकट्ठे सुन लेगा? नहीं नहीं, मतलब वो तो हर केस की अपनी विशेषता है ना, विशेषता है तो विशेष ही तथ्य है, विशेष ही हाँ उसकी जैसे कोई कोई कहता है कि जी मैंने कोई सबलेट कर रखी किसी ने दुकान में किसी को, सबलेटिंग नॉट अलाउड, वो तो क्राइम है, मतलब कि आपने अपनी जरूरत के लिए ली थी, आपने हमारे को तो आप 1400 रुपये किराया दे रहे हैं, मार्केट से आप जो सबलेट जिसको कर रखी उससे 14000 रुपये किराया ले रहे हैं, आप घर पे अपने पे बाकी का पैसा आप घर पे लेके जा रहे हैं, संस्था को इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, ये संस्था भी यहाँ पर हमारे को टीचर्स को पैसे देने के लिए पैसे वो नहीं है, अकाउंट में पैसे नहीं है कि उनकी तनख्वाह हम दे सकें, बच्चों को पढ़ाना भी है, तो ये ना सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, उनमें से एक दुकानों वाला भी है, अलग अलग जगह से संस्था की इनकम होती है, उनमें से एक ये भी है, ये सेल्फ फाइनेंस्ड संस्थाएं हैं, ऐसे कहाँ से आएगा पैसा बताओ। प्रेम नगर में हुआ था, दो बच्चियों के साथ एक नौजवान ने मस्ती के लिए उनको पीटा था, लेकिन आप लोगों के एक्शन के मुताबिक वो फटाफट बिहाइंड था बाहर हो गया, ये अच्छा एक्शन था। और यानी कि जब भी आप भी संज्ञान में लाएंगे या किसी भी कॉर्नर से हमारे को पता लगेगा तुरंत इस प्रकार की चीजों के ऊपर, तो हम इनको नंबर वन इमरजेंसी मानते हैं, नंबर वन मानते हैं। सर आप बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर बीइंग एसडीएम, एक छोटा सा बिल्कुल नटसेल में एक मासिस को मेरे दर्शकों को व्यूअर्स को एक मैसेज दे रिगार्डिंग सिटी और रिगार्डिंग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो उनके अंदर एक खौफ पैदा हो गया है एक ऐसा है, तो नटसेल में आपसे चाहूँगा। देखिए मैंने यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद 2 इलेक्शंस करवाए, एक लोकसभा वाला और एक अभी विधानसभा का, उसके दौरान लोगों से बहुत क्लोजली इंटरेक्ट करने का मौका मिला, तब देखने में आया कि लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, और उसका नतीजा ये है कि हाशी में दोनों इलेक्शन में एक सिंगल वायलेंट इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई भी आप देख लोगे, आपने भी खुद भी देखा है, इतना पीसफुली सारा काम हुआ, जब इतने बड़े बड़े कामों को हाशी शहर के लोग इतना शांतिपूर्ण ढंग से निपटा सकते हैं, तो दूसरी चीज़ों को भी वो ऐसे ही टैकल कर सकते हैं। अगर कहीं भी आप जैसे अभी इंगित कर रहे थे कि अपराधों से संबंधित कोई भी बात है, अगर किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई अपराध की कोई सूचना हमारे को मिलेगी तो बहुत सख्त से सख्त कदम उठाएंगे, और लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि वो तुरंत इसकी सूचना चाहे हमारे को टेलीफोन पर बताएँ चाहे गुप्त तरीके से बताएँ, लेकिन बताएं और ताकि हम तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले सकें। एसडीएम साहब एक लास्ट क्वेश्चन है, आप जिस पोस्ट पे बैठे हैं एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीओसी, इस पे पॉलिटिकल प्रेशर बहुत होता है, तो आप कितना लेके चलते हैं पॉलिटिकल प्रेशर? देखिए जो पॉलिटिकल पर्सन हैं वो भी बहुत जिम्मेदारी का काम करते हैं समाज के अंदर, मतलब उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, लोग इतने आते हैं उनके पास काम करवाने के लिए, तो उनके ऊपर भी प्रेशर है, हमें जब भी वो किसी बात की अनुशंसा करते हैं तो उसको हम कायदे कानून के मुताबिक उसको एग्जामिन तुरंत करना होता है, देखना होता है, और हम करते भी हैं उसको, जो भी कानून के मुताबिक, वो गैर कानूनी बात वो भी नहीं बोलते कि मतलब ये काम करो कि जी कोई गैर कानूनी काम करो, और बाई चांस कहीं किसी कॉर्नर से अगर गलती से कोई बात बोली भी जाती है तो हमें मजबूरन मनाई करना पड़ता है कि जी गलत तो गलत है,
परंतु जो ठीक बात है हमें तुरंत बहुत क्या कहते हैं तत्परता के साथ हम उसमें काम करते हैं। ये थे एसडीएम वीरेंद्र सहरावत जी, हर बात का इन्होंने बड़े साफ गोई से उत्तर दिया। मैंने इनको इम्प्रेस करने की भी कोशिश की कि भी पॉलिटिकल प्रेशर कितना रहता है, इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से वेल वर्स्ट ढंग से अपना पक्ष रखा। ऐसा लगता है कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को जिया है, ये मर्म जानते हैं शहर के लोगों का और एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल इनके अंदर है। मित्रों, मैं आप लोगों के साथ रूबरू होता रहता हूँ, विभिन्न पर्सनैलिटीज के साथ हम आपको रूबरू करवाते रहते हैं। एसडीएम साहब से मेरा पहले एक मरतबा ऐसा इंटरेक्ट करने का और आपके समक्ष इनका एक साक्षात्कार रखने का मौका मिला है। इन्होंने हर एक पहलू पे, हर एक इशू के ऊपर बात की है। मैंने भी इनसे पूरा एक मैराथन इंटरव्यू मैंने इनका कंडक्ट किया है, तो इन्होंने बड़े अप्रेंटली अपने व्यूज़ रखे हैं, इनर व्यूज़ भी रखे हैं, शहर की बेबुद्धि के लिए भी व्यूज़ रखे हैं। तो लिहाजा ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा और एसडीएम साहब ने कई एक मैसेज भी छोड़ा है आप लोगों के लिए, बेटियों के लिए भी छोड़ा है, शहर की डेवलपमेंट के लिए भी छोड़ा है। जहाँ कहीं भी इनको लगेगा कि भी कोई भी ऐसी गफलत हो रही है या स्कैम हो रहा है, तो इनकी सर्वेलेंस और इनकी निगाह इन पर रहेंगी, ये इनका मानना है। तो मैं एसडीएम साहब आपका बहुत बहुत फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। आई एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टू यू ऑल्सो, यू हैव गिवन ऑस्पिशियस टाइम एंड यू कर्टेल योर टाइट शेड्यूल गिवन द ऑस्पिशियस टाइम टू आवर चैनल एंड टू मी ऑल्सो। It's a matter of privilege for me, that's like you, personality, I'm conducting the interview. Thanks a lot, sir. Thank you. आपसे गुजारिश है कि आपने हमें बहुत मोहब्बत दी, प्यार दिया, स्नेह दिया और फीडबैक भी हमें देते रहते हैं, और आपकी फीडबैक हमारे लिए एक एनर्जेटिक बनती है, हमें एक ऊर्जा देती है ताकि हम अच्छे से अच्छा इंटरव्यू आपके सामने रख सकें, प्रोग्राम रख सकें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जुड़े रहिएगा और मिलते हैं फिर एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ। चले जाते हैं तेरी महफिल से हम, अगर दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसी एक आला पर्सनैलिटी के साथ, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। नमस्कार।